जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको बताएं कि हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट मिला था जो कि पीकेएफ की मशीनें थी, जहाँ पे हमारे घर के अंदर वाटर फिल्टर के अंदर जो डोमेस्टिक आरओ के अंदर जो फिल्टर लगते हैं पीपीएफ के, तो वो यहाँ पे असम्बल होते हैं। तो ये आप मुख्तलिफ देख रहे होंगे कि ये इसका जो है यहाँ पे जो डाइन है, ये बर्न है, इसके अंदर हीटर लगे हुए हैं। जब यहाँ से वो गर्म होकर निकलते हैं, उसका जो पीपीएफ का दाना होता है उसके ऊपर होती हैं, उसके बाद इसकी रोटेशन होती है जिससे खुद बहुत कटे होता है, उसके बाद उस साइज़ के मुताबिक काट देता है। अभी हमारा पैनल है तो कनेक्शन अलहमदिल्ला इसके मुकम्मल कर लिए हमने, और यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्म के एबीबी के इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो ये ऑन करते हैं पैनल अलहमदिल्ला से। देखें जी, ये हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर के कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, जिससे आपको देखा जाए कि ये हमारा एक हीटर ऑन हुआ है जो कि 20 एम्पीयर ले रहा है, क्योंकि 20 एम्पीयर नहीं, ये 10 एम्पीयर ले रहा है, और अब हीट 29 पे है और 220 पे हमने सेट किया है। ये हर किसी का ही ऐसे ही टेम्परेचर हैं उनके खुद बखुद ये आटो ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, क्योंकि जब मेंटेन हो रही है। ये हमारे ब्लोअर के हैं, इस समय एक आपको ब्लोअर चला के दिखाता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया इसको, अभी इंशाल्लाह हम रेडी हैं तो चलाने के लिए। इसका आपको प्रोसेस थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारे पीछे मेन ब्लोअर है वो वहाँ से आता है, इसके अंदर हीटर लगे हुए हैं। ये हीटर जो हमारे पास एयर आ रही है तकरीबन 1 bar की होती है प्रेशर उसका है, तो वहाँ पे ये एयर को गर्म करती है, हॉट हो जाती है। उसके बाद ये कनेक्शन पैड देखते हैं जो इस वर्म के अंदर जाते हैं, उसके अंदर भी ये दो हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर एक दाना डालते हैं, पीपीएफ का बड़ी दाना होता है जो इसके अंदर आएगा, तो ये खुद ब खुद उसको सकिंग करता है। जब ये फुल हो जाता है, ये उसका ऑटोमेटिक मोटर लगी हुई है इसके अंदर आता है, इसके अंदर कुछ हीटर लगे हुए हैं। आपको अगर मैं ये इसको उठा के दिखाऊं, ये देखें, ये हमारी वर्म के अंदर हीटर है। हमारे पास जो पीछे से मटेरियल है इसके अंदर इन होता है, उसके ख़ास टेम्परेचर पर उसको पिघलाया जाता है, उसके बाद जो हमारी हॉट एयर आती है वो इस डाई से गुजरती है, इस डाई से गुजर के इसके अंदर पाइप हैं और इसके अंदर ये डाई लगी हुई है, जिससे इस लाइन देख रहे होंगे वो थ्रो से इसके ऊपर है, और ये इसको लपेटता है, और ये वर्म देख रहे हैं ये इसको आगे धकेलता है। ये देखें, इसके बाद ये जो होता है इसको मुलायम करने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, फिर ये आया था कटर। ये हमारी एक ब्लेड होती है जो खुद ब खुद आता है, अगर ये ऑन है तो मैं यहाँ पे, हमारे पास कंप्रेसर नहीं है, वरना आपको इसका प्रोसेस दिखाता, ये खुद ब खुद नीचे होता है, खुद ब खुद आगे होता है, उसे कटता है, खुद ब खुद फेंकता है, फिर इसके ऊपर ये स्टैंप का प्रोसेस है, इसके ऊपर स्टैंप लगती है, तो उसके बाद हमारा पीपीएफ तैयार होता है और उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।